बॉयलर में किसी प्रकार की उस समय 28 मई को कोई फॉल्ट नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी में कि ये ऑपरेशनल फॉल्ट है, कहीं ना कहीं ऑपरेशनल फॉल्ट की वजह से इतनी दर्दनाक घटना घटी है। नहीं, अगर कोई फॉल्ट होता है तो उनका वो उसमें हमको इन्वॉल्व कर सकते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक फेस टू में हुए बॉयलर फटने से 7 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 7 लोग घायल हैं जिनका इलाज SKMCH में चल रहा है। उनसे मिलने बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा पहुंचे थे, उनसे बातचीत की, चश्मदीदों से बातचीत की है कि क्या घटना हुई थी, कैसे हुई थी और उनका हाल जाना है। इस दौरान जब हमने उनसे सवाल पूछा कि किसकी लापरवाही है, तो उन्होंने विभाग की लापरवाही को नहीं माना। उन्होंने कहा है कि विभाग की कोई लापरवाही नहीं है, विभाग की तरफ से जाँच की गई थी, मई में जाँच की गई थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिर उसके बाद औचक निरीक्षण क्यों नहीं हुआ। तो क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री जीवेश मिश्रा, आप वो सुनिए। काम है बॉयलर चीफ खुद से किए हैं और 28 मई का इस बॉयलर का सर्टिफिकेशन किया गया है। बॉयलर में किसी प्रकार की उस समय 28 मई को कोई फॉल्ट नहीं था। हमने जांच का आदेश दिया है, बॉयलर चीफ यहाँ है, आज जांच करेंगे उसका। जांच के बाद एक्चुअल फैक्ट सामने आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी में कि ये ऑपरेशनल फॉल्ट है, कहीं ना कहीं ऑपरेशनल फॉल्ट की वजह से इतनी दर्दनाक घटना घटी है। और हमारे सारे अधिकारी कल से यहाँ कैंप किए हुए हैं, एक बार जांच का रिपोर्ट आ जाएगा तो हम एक्चुअल फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे। जैसे उद्यमियों के बीच कल जो चर्चा थी कि वहाँ पर केवल वो रस्म अदायगी होती है, जांच जो होता है उस प्रॉपर वे में नहीं। अब ये जब घटना घटती है तो इस प्रकार की बातें तो लोग करते हैं, लेकिन उद्यमी को अगर ये बात पता था तो उनको पहले सरकार के यहाँ सिस्टम है, इन विषयों को रखना चाहिए। और कभी भी बॉयलर के केस में रस्म अदायगी नहीं होती है। जितने हजार्डस फैक्ट्री है उसके लिए सरकार का रूल एंड रेगुलेशन है और हम लोग उसकी जांच करवाते हैं, सभी का सर्टिफिकेशन होता है। इस फैक्ट्री का भी 28 मई का सर्टिफिकेशन हुआ था, अधिकारी अपने काम को किए हुए हैं। ये कहीं ना कहीं ऑपरेशनल फॉल्ट, एक दर्जन करीब अभी भी वहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं जिसमें इस तरह के बॉयलर पाए हैं। नहीं, अगर उसका सर्टिफिकेशन जरूर हुआ होगा, साल में एक बार उसके सर्टिफिकेशन उसको कराना है, उसकी स्थिति क्या है उसको चेक करनी है, करानी है। और इन बिटवीन अगर बीच में भी कोई परेशानी आती है तो हमें जब वो आग्रह करेंगे विभाग को तो भी उसका पुनः संचालकों पर होती है कि जवाबदेही उसकी। नहीं, अगर कोई फॉल्ट होता है तो उनका वो उसमें हमको इन्वॉल्व कर सकते हैं। जहां तक सर्टिफिकेशन का सवाल है तो उसका सर्टिफिकेशन 28 मई को किया गया था और कोई भी बॉयलर जो चलता है वो नियमानुसार उसका सर्टिफिकेशन करने का, उसका एक बार रख रखाव, उसको टेस्ट करके उसको देखने की जिम्मेदारी जो विभाग की है विभाग ने किया है। इस स्तर पर इस घटना में कहीं कोई फॉल्ट नहीं है, प्रथम दृष्टया ये कहीं ना कहीं ऑपरेशनल फॉल्ट नज़र आता है। जब पूर्ण रूपेण इसकी जांच हो जाएगी तो मैं सही स्थिति आपके सामने रखने की स्थिति में होऊंगा। तो आपने सुना कि मंत्री जीवेश मिश्रा का क्या कुछ कहना है। उन्होंने साफ साफ कहा कि जाँच की गई थी, 28 मई को जांच की गई थी विभाग की ओर से, लेकिन उन्होंने विभाग की गलती को इनकारा है, विभाग की तरफ से कोई गलती नहीं की गई है। उन्होंने कहा है अभी जांच करा ली जाएगी, जांच के बाद ही आगे की बात बताई जाएगी। उन्होंने कई सारी बातों को लेकर कहा है, तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।